नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद। ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद, लेखक राजा, चित्रांकन राम वायरकर। ठग नगरी के राजा ठग राज का एक ही पुत्र था, नाम था उसका ठेंगा प्रसाद। बहुत ही सुंदर, सलोना व बुद्धिमान था वह, किंतु पिता की नज़रों में बेहद निकम्मा, नालायक और बेवकूफ़। बेवकूफ़, निकम्मे, नालायक, पूरे 22 वर्ष के हो गए हो तुम, मगर अभी तक अपनी जिंदगी में ठगी का एक भी कारनामा करके नहीं दिखाया। इसीलिए आज तक हमने कहीं किसी कन्या से तुम्हारी शादी की बात भी नहीं चलाई। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहने में भी। शर्माइए मत पिताजी, क्योंकि ना तो मैं बेवकूफ़ हूँ, ना निकम्मा, ना ही नालायक। हाँ, किसी को ठगने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या चिल्लाइए मत पिताजी, भोले भाले लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, हमें किसी को ठगने की भला क्या आवश्यकता है। नालायक, हमारा पुश्तैनी खानदानी धंधा है ठगी, और तू कहता है लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, और तब तक मेरे सामने नहीं आना जब तक ठगी का कोई कारनामा कर दिखाने का सहरा अपने सिर न बंधवा लो। फिर तो मैं किसी दिन आपको ही ठगूंगा पिताजी, किसी लल्लू पंजू को ठगना मेरी शान के खिलाफ है। आखिर मैं राजकुमार हूँ ठग नगरी का। आए राजकुमार ठेंगा प्रसाद तो अपनी बात कहकर राजमहल छोड़ चलता बना, किंतु जाते जाते वह अपने पिता की रगों में दौड़ने वाले ठगों के राजवंशी खून में उबाल पैदा कर गया। यह क्या, मेरा ही छोकरा मुझे चुनौती देकर चला गया। मुझे ठगना भी कोई हंसी खेल है, ठग नगरी का राजा आखिर यूं ही नहीं हूं मैं। बात उन दिनों की है जब ठगों का अपना अलग ही समुदाय हुआ करता था। एक जाति विशेष के रूप में जगह जगह उनकी बस्तियां अन्य समान लोगों से अलग थलग ही हुआ करती थी। उनका अपना अलग ही मुखिया, सरदार या राजा हुआ करता था। ऐसा ही एक नगर था ठग नगरी, जहाँ भंगी से लेकर राजा तक सबके सब ठगी के कला कौशल में एक से बढ़कर एक थे। राजा ठगराज था उस्तादों का उस्ताद। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में उसने ठगी की एक से बढ़कर एक कारगुजारियों द्वारा बेशुमार दौलत इकट्ठा करके ठग नगरी के राज खजाने में जमा कर रखी थी। राजकुमार ठेंगा प्रसाद को राजमहल से निकाल देने के बाद एक दिन राजा ठगराज ने अपने महामंत्री को बुलाया। महाराज की जय हो, सेवक के लिए क्या हुक्म है अन्नदाता? हमने ठगी विद्या में महामूर्ख अपने कुपुत्र ठेंगा प्रसाद को राजमहल से निकाल दिया है महामंत्री। अब समस्या यह है कि हमारे बाद ठग नगरी का राजा कौन बनेगा? हमारा एक ही तो बेटा था, वह भी नालायक निकल गया। समस्या तो अत्यंत जटिल है महाराज, लेकिन हमने इस जटिल समस्या का भी हल सोच लिया है। आप ठग नगरी में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो नौजवान हमें ठग लेगा उसे हम अपना राजपाट सौंप देंगे, और जो ठगने के प्रयास में असफल होकर पकड़ा जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले रोज सुनो सुनो ढम ढमा ढम, ठग नगरी के सभी लोग लुगाई, आपके घर बेटा हो या जवाई, किस्मत अजमाने के लिए ठग नगरी के महाराजा धीराज ठग राज का पैगाम आप सबके नाम। ढम ढमा ढम ढम, जो नौजवान महाराज धीराज ठग राज को ठग लेगा उसे ठग नगरी का राजा बना दिया जाएगा, किंतु जो ठगने में असफल हो पकड़ा जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और जिस समय ठग नगरी में यह मुनादी चल रही थी, ठीक उसी समय राजमहल के एक गोपनीय कक्ष में अपनी माँ के आश्रय में मजे में लेटा था राजकुमार ठेंगा प्रसाद। वह था तो आखिर ठग शिरोमणि बाप का ही बेटा। बाप ने निकाला निकल गया, फिर चुपके से एक नौकरानी का वेश धारण कर सभी पहरेदारों को छल गया और आकर छिप गया अपनी प्यारी माँ की ममतामयी छाँव में। फिर जब माँ ने आकर बेटे को बाप द्वारा की गई मुनादी के बारे में बताया तो बेफिक्र रहो माँ, ठग नगरी का राजपाट तुम्हारे बेटे के सिवाय किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। मुझे यकीन है बेटे, इसीलिए ठगी में काम आने वाली हर जरूरी चीज का मैंने तेरे लिए प्रबंध कर दिया है। तो ठग नगरी के समीपवर्ती जंगल में छिपने रहने का ठिकाना तलाश कर ले, ज्यादा समय तक
तेरा महल में रहना ठीक नहीं है। तेरे पिता ने तुझे महल में देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी सूली पर चढ़वा देंगे। उनका क्रोध तो तू जानता ही है। और हाँ, यह थैली रख ले, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और इस गठरी में भांति भांति की पोशाकें व रूप बदलने का सामान। मगर बेटे, किसी गरीब को न सताना और ठग नगरी के किसी दिग्गज ठग को छोड़ना भी नहीं। याद रख, एक दिन अपने पिता को भी ठग कर तुझे यह दिखाना है कि तू ही ठग नगरी के राजपाट का असली हकदार है। अगले दिन जब रोज की तरह राजा का धोबी धुले हुए कपड़ों को लेकर मैले कपड़े लेने के लिए राजमहल आया तो धोबी बेचारा महल के अंदर कपड़े लेता ही रह गया। बाहर निकल गया ठेंगा प्रसाद धोबी के गधे पर अपनी गठरी लादे। फिर पहुंच गया ठग नगरी की सीमा से लगे एक जंगल में। आहा, कितना शांतिपूर्ण स्थान है, अब थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहिए, यह पेड़ों का झुरमुट ठीक रहेगा आराम करने के लिए। अब मुझे चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगा लेनी चाहिए। आए, यह आवाज कैसी? कुछ ही दूर एक सेठ अपने घोड़े को बुरी तरह पीट रहा था। घोड़े की पीठ से बंधे हुए थे कई संदूक। कम्बक, जब देखो तब अड़ियल टट्टू की तरह खड़ा हो जाएगा। चल, मैं कहता हूँ चल। उफ, कैसा जालिम है यह नगर सेठ, इस मरियल घोड़े को मुक्ति दिलानी चाहिए। मगर पहले कुछ स्वर्ण मुद्राएं अंटी में रखकर थैली उस तने के खोखले कोटर में डाल दो, इसे जरूरत पड़ने पर ही निकाला जाएगा। और यह कपड़ों की गठरी पेड़ के ऊपर छिपा देनी ठीक है। फिर अपना गधा साथ लिए ठेंगा प्रसाद ठग नगरी के नगर सेठ सुठक दास के पास पहुंचा। तभी, अरे ओ गधे वाले, पानी है तेरे पास? बहुत प्यास लगी है। पर पानी मेरे पास तो नहीं है, पर पास ही तालाब तो है, वहीं से पियाओ। ठीक है भैया, तुम जरा मेरे घोड़े का ख्याल रखना, बड़ा ही अड़ियर है कमबख्त, एक कदम भी आगे बढ़कर नहीं दे रहा। अब जब तक थोड़ी देर सुस्ता नहीं लेगा, आगे बढ़ेगा भी नहीं। बेफिक्र होकर जाओ सेठ, मैं घोड़े का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। कमबख्त जरूर पास के किसी राज्य में तगड़ी ठगी का दाव मारकर लौट रहा है, काफी माल होगा इसके पास। उधर ठग नगरी के राजमहल में हंगामा मचा हुआ था और राजा ठगराज अपने बाल नोचते हुए चिल्ला रहा था, क्या बकते हो, कोई पहरेदारों की आंख बचाकर महल में कैसे घुस सकता है, और धोबी बनकर तुम्हारा गधा ले जाने से किसी को क्या फायदा? यह तो पता नहीं, मगर वहां जमीन में कुछ लिखा भी है महाराज। महल की जमीन में क्या लिखा है यह देखने के लिए राजा ठगराज जब उस स्थान पर पहुंचे जहां धोबी ने अपना गधा खड़ा किया था, तो सावधान महाराज, आपके नगर में आ गया है ठग शिरोमणि गुरु घंटाल। आए महामंत्री, धोबी को नए गधे के लिए मुद्राएं दे दो, और सेनापति, तुम तलाश करो इस गुरु घंटाल को। उधर ठग नगरी का नगर सेठ सूट ठग दास जब पानी पीकर लौटा तो, अरे मेरा घोड़ा, मेरे धन से भरे संदूक और वह गधे वाला। तभी, ए बुढ़े, तूने इस तरफ किसी मरियल से घोड़े पर 3 संदूक लाए किसी व्यक्ति को जाते देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बता, उस बुढ़े के संदूकों में चोरी का माल है, मैं उसी की तलाश में इस तरफ आया हूँ। कम्बक घोड़ा, रास्ते में एक शेर के हमले से जख्मी ना हो गया होता तो अब तक मैं उसे पकड़ लेता। चोरी का माल? मगर घोड़े वाले ने तो वह 3 संदूक माल सुंदरगढ़ के एक व्यापारी दीनानाथ से खरीदा था। तुम्हें कैसे पता? मुझे उस बूढ़े ने बताया था, वह उस तरफ गया है। बेवकूफ खुसट, मैं सुंदरगढ़ से ही उसकी तलाश में आ रहा हूँ। वह व्यापारी दीनानाथ चोरी का माल खरीदता था, इस बार उसे माल बेचने वाला चोर भी पकड़ा गया, और वह भी। अब बारी उस कम्बख्त मरियल घोड़े वाले बुढ़े की है, वह भी कहाँ जाएगा बचकर? बाप रे, मैं तो खिसक ही लूं, कोतवाल के तेवर बहुत टेढ़े हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया। हाय, वो लफंगा गधे वाला कहाँ गया? हाय, अब पैदल जाना पड़ेगा ठग नगरी तक। मैं चलता हूँ कोतवाल जी, मुझे तो बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ। ठग नगरी का बूढ़ा नगर सेठ सूट ठग दास कुछ ही आगे गया था कि, अरे मेरा घोड़ा घास चरते हुए, मगर सारे संदूक कहाँ गए, और यह घोड़े पर लिखा क्या है? नगर सेठ सुठगदास को ठग शिरोमणि गुरु घंटाल का प्रणाम।
ठीक उसी समय झाड़ी में छिपे थे ठग नगरी के दो धुरंधर ठग, गुरु प्रसाद और चेला राम, जो थे भी गुरु और चेला। गुरु, देखा कुछ? देखा, लड़के ने नगर से कुक कैसे उल्लू बनाया। हम इसे ही उल्लू बनाएंगे, आ जरा प्यार भरी बातें तो करें इससे। गुरु, इसकी अंटी में बड़ा माल है। चेले, हमें इसका पूरा ख्याल है। और फिर गुरु और चेला दोनों पहुंचे ठेगा प्रसाद के पास। क्यों बेटा, तू यहाँ मजे में घूम रहा है और तेरी मामी घर में रो रो कर हलकान हुई जा रही है। अब यूं आंखें फाड़े क्यों देख रहे हो भैया? घर से निकले थे स्नान के लिए, मगर लगता है कहीं चुल्लू भर पानी नहीं मिला तुम्हें। आए, दोनों पूरे घुटे हुए छटे हुए लगते हैं, तरकीब से काम लेना पड़ेगा। अरे अब खड़ा क्यों है, थोड़ी दूर ही नदी है, चल मार गोता और वापस घर चल। तेरी मामी ने तेरे लिए ही तो कद्दू की खीर बनाई है। छपाक। मगर दोनों ही यह न देख सके कि ठेंगा प्रसाद ने अपनी अंटी से स्वर्ण मुद्राएं बड़ी सफाई से निकाल अपनी मुट्ठी में दबा ली थी। चल चेले, अब सारा ताम झाम बटोर कर भाग लेना चाहिए। ठीक कहते हो गुरु। मगर गुरु चेले भाग न सके, क्योंकि तभी पानी में से सिर बाहर निकाल कर ठेंगा प्रसाद जोर से चिल्लाया था, मामू खजाना, मामू नदी में खजाना है, यह देखो स्वर्ण मुद्राएं, कई हजार स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तुम लोग मेरा सामान लेकर घर पहुंचो, मैं तो यह स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर ही चलूंगा। गुरु ने चेले को देखा, चेले ने गुरु को। स्वर्ण मुद्राएं? दोनों ने कपड़े उतारे और कूद पड़े तालाब में। इस कछुए के हाथ एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं लगने देनी गुरु। बिल्कुल चेले, टेटुआ पकड़, इसे तो तालाब में ही डुबो देना है। स्वर्ण मुद्राओं की तलाश में गुरु और चेला दोनों तालाब में गहराई तक डुबकी लगाते चले गए, किंतु ना तो उनके हाथ स्वर्ण मुद्राएं आई ना ठेंगा प्रसाद। काफी देर तक तालाब में झक मारने के बाद जब गुरु व चेला थक हार कर तालाब से बाहर आए तो आए हमारे कपड़े गायब, और गुरु वह लड़का भी गायब है, उसके कपड़े भी किनारे पर नहीं है। ठेंगा प्रसाद सचमुच ठेंगा दिखा गया था और वहीं रेत पर लिखा था, मेरा नाम गुरु घंटाल, बोलो बच्चों क्या है हाल। आए उधर पेड़ों के झुरमुट में ठेंगा प्रसाद ने अपने गधे का रंग तो किया काला और अपना रूप बदल कर गधे को साथ लेकर चल पड़ा वापस ठग नगरी की ओर। ठग नगरी में प्रवेश करते ही अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर ठेंगा प्रसाद ठिटक गया। आवाज एक बुढ़िया के रोने की थी, जो सिर पर हाथ धरे एक चबूतरे पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, उधर बैठे एक ठग ने अपनी गप सुनाकर मेरी 500 मुद्राओं की थैली ठग ली। अच्छा, मैं अभी उससे तुम्हारी थैली वापस दिलाता हूँ दादी माँ, तुम यहीं रहना। ठेंगा प्रसाद कुछ ही दूर बैठे गप सुनाकर लोगों को ठग रहे धूर्त के निकट पहुंचा। अबे ओ धूर्त राज, सीधी साधी बुढ़िया को ठगता है, शर्म नहीं आती? चल वापस कर बुढ़िया की थैली। हे हे हे, थैली तो मैं वापस कर दूंगा, मगर टेढ़े भैया तुम अगर तनिक ज्यादा चालाक हो तो तुम ही कोई गप सुनाकर मुझे ठग लो, बस एक शर्त है हमारी। तो कैसी शर्त? शर्त यह है कि हम कहेंगे एक गप, अगर तुमने उसे झूठा बतलाया तो तुम हमें 500 मुद्राएं दोगे, फिर तुम एक ऐसी गप कहोगे जो सच लोगे, अगर हम उसे झूठा बोलेंगे तो हम देंगे 1000 मुद्राएं। ठीक है, मुझे मंजूर है, पहले आप ही कहिए जरा अपनी गप। है तो बड़ा धूर्त, परंतु मैं भी ठगों का बाप हूँ। गप्पी ठग ने अपनी गप यूं सुनाई, हमारे परदादा के दादा के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी, उस तलवार को 500 लोग मिलकर उठाते थे। एक दिन पृथ्वी पर राक्षसों ने आक्रमण किया, मारो काटो, उनकी मार काट से जनता त्राही त्राही करती हमारे दादा के पास आई, बचाओ हमें, वे राक्षस हमें मार डालेंगे। हमारे दादा ने उन राक्षसों का सफाया करने के लिए तलवार उठाकर हुंकार मारी तो आकाश में बिजली कड़कने लगी। हा हा हा, मैं इन राक्षसों का सफाया करके रहूंगा। हमारे दादा ने तलवार के एक ही वार में राक्षसों की सारी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। तुम्हारा अंत आ गया जालिमो, आह मरा। अपनी गप खत्म कर उस महान गप्पी ने पूछा,
कहिए श्रीमान, हमारा कहा तनिक झूठ तो नहीं लगा? ही, पिताजी आपकी गप बहुत अच्छी है। ठेंगा प्रसाद जानता था झूठ कहते ही ठग उससे 500 सिक्के ले लेगा, सो बोला, नहीं महाराज, यह सत्य है। पहले शायद ऐसे ही लोग होते थे। अब तुम मुझसे सुनो भैया, मेरा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। मेरी पत्नी खेत पर जाने से डरती थी। एक दिन मैंने उसे एक पोटली में बांधा और सिर पर लाद चल पड़ा। तभी एक चील ने झपट्टा मारा और वह पोटली लेकर उड़ गई। अरे मेरी बीवी को बचाओ! ठेंगा प्रसाद रोने सा मुंह बनाकर बोला, और उस दिन के बाद आज तक मुझे अपनी बीवी नहीं मिली, किंतु अभी अभी मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। कहाँ, कौन है वो? ठेंगा प्रसाद ने उसकी बेटी की तरफ इशारा करके कहा, यह रही मेरी बीवी। बोलो क्या यह झूठ है? ओह फंस गया मैं। अगर झूठ है तो लाओ 1000 मुद्राएं, और सच है तो मेरी बीवी मुझे दे दो। अब तो बुढ़ऊ गप्पी धूर्तराज बुरी तरह फंस गया। ओह यह तो कोई मुझसे भी बड़ा ठग है। हाय मेरे ही जाल में मुझे फंसा दिया। इसे 1000 देकर जान छुड़ाऊं वरना बेटी से हाथ धो बैठूंगा। और हार कर गप्पी ठग ने 1000 मुद्राएं देकर अपनी जान छुड़ाई। लो भैया यह रही बुढ़िया की 500 मुद्राओं की थैली, और यह लो 500 और, अब मेरा पीछा छोड़ो। आगे से गरीबों को मत सताना वरना और बुरा हाल कर दूंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।